तौर से रमज़ान में लोगों का वज़न बढ़ जाता है, सिर्फ खाने के औकात बदल देते हैं। मेरे दोस्तों, इतना खाओगे तो रमज़ान से फ़ायदा नहीं होगा। रमज़ान खाने के लिए नहीं आता, रमज़ान खाना छुड़ाने के लिए आता है। रमज़ान नींद कम करने के लिए आता है, ज़रा आराम कम करो और इबादत करो, और ज़रा खाना कम करो और अल्लाह को ज़्यादा याद करो, हल्के फुल्के हो करके अल्लाह को याद करो। हर रमज़ान खा खा कर गुजारा, इस रमज़ान को कम खा कर सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे, है हिम्मत इसकी नियत करने की? सच्ची नियत करो, इस रमज़ान में कम खा कर सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे। ये कोई रमज़ान की कदर नहीं है। फिर रोज़ा खोलने के नाम पर, फिर नमाज के बाद इफ्तार के नाम पर, और फिर से तरावी के बाद एक मरतबा फिर, और फिर सहरी, माशाल्लाह बड़ा दस्तरखान सजा हुआ। इतना खाते हैं कि दोपहर तक उठना मुश्किल होता है, और फिर दोपहर के बाद से इफ्तार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इबादत का वक्त ही नहीं मिलता। बहुत हो चुकी रमज़ान की नाकदरी, बहुत हो चुकी, और उसकी सज़ा बहुत भुगती जा चुकी है। अब नियत करो मेरे दोस्तों इंशाल्लाह, और सिर्फ एक रमज़ान के लिए नहीं, सारी ज़िंदगी के लिए अब इंशाल्लाह रमज़ान की कद्र करेंगे। और रमज़ान की कद्र ये है कि आज से हमारी इबादत बढ़ जाए। मैं ये नहीं कहता कि आज से रोज़ा रखना शुरू कर दो, वरना आइंदा आप लोग यहाँ मजलिस करेंगे तो इंशाल्लाह कोई आएगा नहीं कि भाई ये तो भूखा रखते हैं, ये तो रमज़ान के अलावा भी रोज़े रखाते हैं। चलो, मैं नहीं कहता कि रोज़ा रखना शुरू करो, किसी की हिम्मत हो रखे, कम से कम रमज़ान में ना हो सके तो तीन रोज़े तो रख लेना। कौन से तीन रोज़े? 13, 14, 15, ये अय्याम 20 के रोज़े हैं। तीन रोज़े तो इंशाल्लाह रख लेना शाबान के महीने, रमज़ान में नहीं, रमज़ान में तो पूरे रखना है, शाबान में कम से कम तीन रोज़े तो रख लेना। कौन कौन रखेंगे इस साल शाबान में तीन रोज़े? उससे ज़्यादा जो हिम्मत वाले हैं वो इन तीन के अलावा कम से कम शाबान के महीने में तीन रोज़े रखेंगे इंशाल्लाह। नौजवान हिम्मत करे, कौन कौन रखेंगे? फिर दोबारा कभी रख लेंगे इंशाल्लाह, जितना रखेंगे अपना फायदा होगा, ठीक है। उसके अलावा भी अल्लाह किसी को हिम्मत दे तो रखे, मैं वादा नहीं देता। और ये भी मैंने आपसे इरादा कराया है, वादा खिलाफी से अल्लाह बचाए, मैंने वादा नहीं लिया लेकिन इरादा किया है आपने। अल्लाह आपके इरादे को मजबूत करे और अल्लाह ताला मदद फरमाए, मेरी भी मदद करे, आपकी भी मदद करे। तीन रोज़े जो रमज़ान महीने के हैं, चांद की तारीख से 13, 14, 15, इसकी तो नियत कर लो इंशाल्लाह हर महीने रखा करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे इकराम को ताकीद की, फरमाया महीने में तीन रोज़े ज़रूर रखा करो। ताकीद की सहाबे इकराम को, महीने में तीन रोज़े ज़रूर रखा करो, और फिर फरमाया हो सके तो 13, 14, 15 रखा करो। यानी अगर किसी मजबूरी से कभी 13, 14, 15 नहीं रख सके तो ये मत सोचो कि अब तो निकल गया, आप क्या रखेंगे, बाकी दिनों में कितना आसान कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। और मालूम है महीने में तीन रोज़ा रखने से क्या फ़ायदा होता है? अल्लाह ने कानून बतलाया है, मन जाअ बिलहसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो नेकी करता है अल्लाह उसे 10 गुना अजर अता फरमाते हैं। तो तीन रोज़े पर अल्लाह अजर कितना देंगे? 30। पूरे महीने रोज़े का अजर मिला ना। अगर हर महीने तीन रोज़े पाबंदी से रखे और गुनाहों से बचते रहे तो इंशाल्लाह जिस तरह रमज़ान में पूरे महीने रोज़े का अजर मिलेगा, अल्लाह बाकी दिनों में भी इतना अजर अता फरमा देंगे जैसे किसी ने 30 रोज़ा रखा। और उसकी बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला गुनाहों से बचना आसान कर देंगे। लेकिन भाई, रोज़े को रोज़े की तरह रखो, रोजे को रोजे की तरह रखने का मतलब यह है कि रोज जितना खाते हैं रोजे में उससे कम खाया जाए, और रोज जितना खाते हैं तो रोजे में उससे ज्यादा खाया गया तो फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। हो सकता है सवाब मिल जाए लेकिन जिस्म को तो फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने तो बहुत बड़े आदमी थे, उनको हक है कहने का। उन्होंने तो कहा, जो लोग रमज़ान में ज़्यादा खाते हैं, बेज़रूरत खाते हैं, उनको रोज़े से कुछ नहीं मिलता, वो
तो कहते कुछ मिलता ही नहीं, सवाब भी नहीं मिलता। बहुत बड़े आदमी है भाई, वो जिस मकाम के हैं वो ये बात कह सकते हैं, हमारी तो हिम्मत नहीं क्या मिलती बड़ी बात कहते हैं, लेकिन डर की बात तो है अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत। वैसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के सिलसिले में इरशाद फरमाया कि इंसान के लिए चंद लुक्मे काफी हैं जिससे वो अपनी पीठ सीधी रख सके, जिससे अपनी कमर सीधी रख सके, ऐसे चंद लुक्मे काफी हैं। ज्यादा खाना, तरह तरह के खाना ही खाना, और भूख खत्म हो जाने के बाद भी खाना, खूब गले तक दबा कर खाना और खूब इसरार करके दूसरों को खिलाना, ये बीमारियां खरीदना है। और एक बात याद रखो, हमारी जिंदगी अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ताला ने फरमाया वला तुल्कु बिअयदीकुम मिला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो। जिस तरह खुदकुशी करना हराम है, इसी तरह इतना खाना जिससे बीमारियां पैदा होती हो, जाके मुफ्तिया ने ग्राम से पूछो ये हलाल है कि हराम है। लेकिन पसंदीदा तो बहरहाल नहीं है।